हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि आज हम जा रहे हैं श्री तारा देवी मंदिर। सो गाइस, यू कैन सी कि कितना अच्छा अभी इस टाइम मौसम है और हम जा रहे हैं तारा देवी टेंपल। और ये है रोड वहाँ के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज मौसम जो है वो काफ़ी धुंध है और जो रास्ता है वो ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है धुंध की वजह से। और हम पहुंच चुके हैं अब तारा देवी टेंपल वाली जो सड़क है, यानी कि जहां पर कार पार्किंग करते हैं, हम वहां पहुंच चुके हैं। और अब हम गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम जाएंगे मंदिर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर, कितनी ज़्यादा है क्वांटिटी में। तो बहुत सारे जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमेशा ही इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी होती हैं, हम जितनी बार भी आते हैं। Hey guys, welcome back to my channel, friends. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are good. So guys, आज हम आए हैं तारा देवी टेम्पल, जो कि ऊपर की तरफ है, आप देख रहे होंगे। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा मंदिर है। मैं यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ, तो सोचा कि आज एक ब्लॉग बनाया जाए और इसी के साथ आप लोगों को भी यहाँ के दर्शन कराया जाए। ये जो मंदिर है ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं तारा देवी टेम्पल के बाहर का व्यू और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। और देखिए आप कितने अच्छे और सुंदर से फ्लावर लगाए गए हैं यहाँ। एंड ये है यहाँ का एंट्री गेट। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो मिवान तो हर बारी नया रूट जो है वो सिलेक्ट करता है। अभी पाइप के ऊपर से चढ़ के गया है। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर। आप देख रहे हैं आने जाने वालों की भीड़ लगी है, काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पर निकासी की गई है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी साल पहले से ये मंदिर है और हम लोग तो काफ़ी बार यहाँ पहले भी आए हैं, तो मैंने अभी सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आगे जाके एक पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस पेड़ पे बहुत सारे चूड़े और चुनियाँ आपको लगी हुई देखने को मिलेगी। तो जैसे कि एक साल शादी को हो जाता है तो आप अपना चूड़ा खोलकर यहाँ लगा सकते हैं, इससे आपको सौभाग्यवती रहने का जो है आशीर्वाद मिलता है, ऐसा माना जाता है। ये मंदिर शिमला सोलन रोड पर, जब आप शोक पहुँचते हैं तो वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि शिमला से यहाँ की दूरी कम से कम 14 से 15 किलोमीटर है। ये जो मंदिर है ये वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन 22 सितंबर 2017 को यह पुनर्निर्मित किया गया, जो कि राजा वीरभद्र जी ने इसका उद्घाटन किया था। सो गाइस, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ये टेम्पल है देवी है। आज मौसम काफ़ी फॉगी है तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी हल्की धूप आ रही है वैसे तो, और ये देखिए आप मौसम देखिए, हल्की सी सनशाइन है और धूप के साथ ये मंदिर और भी अट्रैक्टिव लगता है। और इसका जो व्यू है, यहाँ का जो मंदिर का नज़ारा है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये जो टेम्पल है ये पूरा का पूरा वुडन में है और काफ़ी
ये है मंदिर के अंदर का व्यू। और मंदिर के अंदर हम लोगों ने दिया आशीर्वाद। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है ये अंदर से, जितना कि बाहर से खूबसूरत है उससे डबल ये अंदर से खूबसूरत है। तो आप देख ही रहे होंगे, इसकी जो निकासी है वो इस मंदिर की सबसे खासियत है, यानी कि इस खास बात यही है इस मंदिर की, इसकी जो निकासी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपका मन बिल्कुल भी मतलब यहाँ से जो है वो भटकेगा नहीं। आप जब देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे कि कितना अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। शिमला में जितने भी फेमस टेम्पल है, जाखू है, हर एक मंदिर की अपने आप में एक खासियत है। तो यहाँ की का जो व्यू देखेंगे आप, अंदर का मैंने अभी आपको दिखाया, अब आप बाहर का देखिए, तो बाहर से भी मतलब बहुत अच्छा व्यू है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी हैं हम तारा देवी मंदिर में, और तारा देवी मंदिर में अगर आप दर्शन करने आते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे जाके, यानी कि यहीं से थोड़ा सा पास में एक और मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, वो काफ़ी सुंदर है वहाँ की। और वहाँ की अगर मैं व्यू की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है वहाँ का। और ये देखिए, ये है सामने बटक भैरव जी का मंदिर। तो बटक भैरव का पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को जो है नज़र जल्दी लगती है, तो अगर आप बटक भैरव जी का पाठ करते हैं तो आपके बच्चे को जो है वो नज़र नहीं लगेगी, ऐसा माना जाता है। आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है, जैसे कि आप जानते ही हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।